हेलो एवरीवन। तो लास्ट दो वीडियो में हमने डिस्कस करी थी PYQs, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, और दूसरा वेक्टर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री का, ठीक है। 3D ज्योमेट्री का हम 10 इयर्स का PYQs कर रहे होंगे, उसमें आपको हिंट्स मिल रहा होगा, ठीक है, कि आपको कैसे सॉल्व करना है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट की नोट्स होंगे या फॉर्मूला भी होंगे, ठीक है, उसको आप नोट करते जाना, उसका रिविजन करना, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको सेशन वन एग्जाम में काम आए, ठीक है। आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, अच्छे से PYQs का प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी आप एक अच्छा स्कोर ले पाओ। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, ठीक है, तो वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये दो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का और वेक्टर का, जहाँ पे हमने PYQs को कैसे सॉल्व करना है ये बताया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो PYQs स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं 3D ज्योमेट्री का। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लाइन ये तो पता ही होगा, इसको डिनोट किससे करते हैं, L, M एंड N, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस बीटा, और इसको बोलते हैं कॉस गामा, ठीक है। सेकंड में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर ए बी सी कोई नंबर हो, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन कोसाइन के, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एल इक्वल्स टू एम बी, ठीक है, इक्वल्स टू एन सी, ठीक है, ये आपस में बराबर होता है। और यहाँ से आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह एम के लिए, तो एम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और नीचे जो सेम है, ठीक है, ये सारा वही हो जाएगा, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और वहीं जब एन के लिए, तो यहाँ पे ऊपर सी हो जाएगा और प्लस माइनस, ठीक है, सेम चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो डायरेक्शन फार्मूला क्या होता है, डायरेक्शन फार्मूला का ये होता है, क्या करते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू कर देते हैं इसका होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट रहता है डायरेक्शन के लिए। वही अगर सेक्शन फार्मूला से आपसे कोई पूछ दे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये भी पता ही होगा सेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। वाई के लिए क्या होगा, एम वाई टू माइनस एम वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। वही जेड के लिए क्या होगा, तो एक्स वाई आ गया, अब जेड के लिए जेड आ जाएगा, एम जेड वन एम जेड टू माइनस एम जेड वन बाई एम प्लस वन, ठीक है। सो अब अगर पूछे कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक है। सिमिलरली वाई के लिए वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, और जेड के लिए जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। सो अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है, तो आर वेक्टर, इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। वही अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको भी ऐसे एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाय सी, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। वही अब, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर आए, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में मॉड के अंदर होगा बी वेक्टर वन डॉट बी टू, ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वेक्टर फॉर्म में है। वही अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, मॉड के अंदर आएगा ए वन ई टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, फिर अंडर रूट आ गया ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, मोड के अंदर आ गया, ठीक है, ये आपका होता है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अब ये सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है, ये सेम फार्मूला आपका यूज़ हो जाएगा उस वाले के लिए भी। सो अब हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू मोड के अंदर एल वन
L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये सब पता ही होगा। अब देखो यहाँ से ये आ जाएगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए क्या होगा, B1 B2 इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर के लिए। वही अगर पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा B1 इक्वल्स लेमडा, ठीक है, ये इक्वल्स टू है, और B2, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं अगर दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, तो D इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड के अंदर BA2 - A1, ठीक है, डिवाइडेड बाय B। अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो D इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड के अंदर D2 - D1 बाय अंडर रूट A² + B² + C² मॉड के अंदर आ गया, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे थे, एंगल बिटवीन द लाइन्स हूज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन L + M + N = 0, L² = M² + N², ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, L + M + N = 0, ठीक है। सेकेंड क्या है, L² = M² + N², ठीक है, ये दिया हुआ है। सो, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे L है तो यहाँ भी L है, तो हम इस L को इस साइड रख के और M + N को इस तरफ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये इधर जाएगा N होगा और ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -M + N, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो यार, ये जो वैल्यू आया इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है, ये L = इसको पुट करने के बाद इधर L का क्या स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -M + N² ठीक है, ऐसा कुछ होगा, और इक्वल्स टू क्या होगा, M² + N², ठीक है। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या होगा, आपका L, M, N की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी, अब देखो यहाँ पे कह रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो LMN की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देना, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ दूसरा टॉपिक का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजिशन वैक्टर, ठीक है, ये वैक्टर दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है, एंड पैरेलल टू द दिस वैक्टर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुम आसानी के लिए एक फिगर बना लो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये कुछ N है, ठीक है, ये N हो जाएगा, और Q यहाँ पे है आपका, और यहाँ से एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो Q क्या है हमारा, 2, 3 - 4, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद ये N वाला क्या हो जाएगा, N ये है, ठीक है, पैरेलल, और यहाँ से P आपका ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, 2 and 6, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ से D इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला था डिस्टेंस के लिए, PQ - N बाय ये मॉड के अंदर, ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ तक मॉड के अंदर होता है, पूरा मॉड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले यार यहाँ से PQ फाइंड कर लो, ये पॉइंट P है, तो PQ फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे हमारा N दिया हुआ है, N क्या है, N ये है हमारा, N दिया हुआ है, PQ फाइंड कर लिया, तो अब क्या करना है, मैं PQ - N ये फाइंड करना है, ठीक है, ये देखो यहाँ से ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के बाद आप इसको फाइंड कर ही सकते हो, ठीक है, N तो दिया हुआ है, PQ, N हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से इसका मॉड निकाल ही सकते हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द वर्टिसेस B and C, ठीक है, किसी ट्रायंगल का है, जहाँ का लाइन, ठीक है, X + 2 ये सब दिया हुआ है, BC = 5 दिया हुआ है, देन एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस ट्रायंगल गिवन दैट द पॉइंट A दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1/2 ये मॉड के अंदर BC B sin थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B sin थीटा ये मॉड जो होगा ये यहीं तक होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, सबसे पहले इसको फाइंड करो, ठीक है,
इसको फाइंड करने के बाद ये तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। सो इतना सब कुछ सॉल्व होने के बाद ये वाला पार्ट आपका भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस वैल्यू का यहाँ पुट कर देना, ठीक है। और बी सी आपका दिया हुआ है 5 यूनिट, ठीक है, तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर का क्वेश्चन, लेट ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर रिस्पेक्टिवली बी द पॉजिटिव वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी विद रिस्पेक्ट ओरिजिन ओ। इफ द डिस्टेंस सी फ्रॉम द बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बिटवीन ओ ए ओ बी इज 3/√2 देन सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बीटा इज। सबसे पहले तुम क्या करो यार, फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अगर नहीं सॉल्व हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो कैसे हुआ, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। फोर्थ नंबर में अब देखो क्या है, हमारे पास ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कह रहा है लाइज इन द प्लेन LX प्लस MY माइनस Z इक्वल टू 9 देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो यार, सो यहाँ से ना तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2L माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर फॉर्मूला पता है तो ये समझ में आ गया होगा कैसे बना, ठीक है, यहाँ से आपका इक्वेशन एक बन जाएगा। अब देखो ऊपर क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, अब यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से बनेगा 3L माइनस 2M प्लस 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 के बराबर, ठीक है, देख लो। सो अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, दोनों को आसानी से सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपका LM की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, LM की वैल्यू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर में पुट कर देना, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फाइव नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द लाइंस, ठीक है, ये दिया हुआ है लाइंस, एंड ये लाइंस भी दिया हुआ है, आर कोप्लैनर देन के कैन हैव, ठीक है, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कोप्लैनर आपको पता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। सो सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, यहाँ पे जेड टू है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ से एल वन हो गया, एम वन हो गया, एन वन हो गया, ठीक है, एल टू हो गया, एम टू हो गया, एन टू हो गया, ठीक है। अब सारा वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ अनदर टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ये प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन ऑन द प्लेन, ठीक है, हमें कह रहा है कि कौन सा जो पॉइंट है वो लाइज करेगा, ठीक है। ये जो 1, 2, 3 है इसको आप ए पॉइंट मान लो, ठीक है, और ये जो है इसको बी मान लो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करने आता ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मिड पॉइंट जो फाइंड हो जाएगा तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ ए बी फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए बी भी फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इक्वेशन का प्लेन निकालना है, फिर जो ऑप्शन की वैल्यू आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के बाद, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है आप सारा वैल्यू पुट करके देखना, ठीक है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, लेट पी पासिंग थ्रू, ठीक है, ये कुछ पॉइंट है और ये पॉइंट एंड ये आर बी, ये पॉइंट आर बी एनी पॉइंट 216 देन द इमेज ऑफ आर इन द प्लेन पी इज, ठीक है, पी हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास पासिंग थ्रू पॉइंट क्या क्या है, 21 है, 210 है, और क्या है, 411, ठीक है, 501, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, आर बी हमारा दिया हुआ है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू, ठीक है, 1 है, उसके बाद 1 माइनस वाई माइनस 1, उसके बाद जेड माइनस 0, ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। अब देखो यार 411 है, तो यहाँ से क्या करना है, 4 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 1, और उसके बाद क्या है, 1 माइनस 0, ठीक है, सेम 5 माइनस 2, और उसके बाद क्या है, 0 माइनस 1, और क्या है, 1 माइनस 0, ठीक है, इसको फाइंड कर लिया। फिर हमारे पास आर दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेना। नाउ थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये दिया हुआ है, फ्रॉम द प्लेन एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 मेजर्ड अलोंग एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, एंड पैरेलल टू एक्स, ठीक है, ये है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो x माइनस वाई
प्लस जेड इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है हमारे पास, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देना है। इससे तुम्हारा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। जब ये वैल्यू यहाँ से इसको सॉल्व करोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, फिर इसमें पुट करना है, यहाँ से तुम्हारा क्या होगा पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हो ना, मेजर डेलॉग, ठीक है। फिर आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, डी वाला फॉर्मूला लगा देना। नाउ फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कि ये लाइन है कि ये लाइन। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डी वन इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, ठीक है, ये मॉड के अंदर आ गया, बाय अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लो, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ फाइव नंबर का क्वेश्चन, अब देखो यार ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सो सिंपली आप ये जानो, अगर इस टाइप का कंडीशन हो, ठीक है, यहाँ से अब मैं बता देता हूँ, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इस तरह से कुछ है दिया हुआ है। नाउ सेकेंड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, ठीक है, प्लस है, और प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू जीरो के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के कंडीशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा यूज़ करते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ठीक है, ऊपर जो दिया हुआ है, डी वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके बराबर कर दो प्लस माइनस, ठीक है, ये जो यहाँ पे ए वन है, ठीक है, यहाँ पे ए वन है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे टू, और ये क्या होगा, सिंपली यहाँ पे ए वन है तो बी वन यहाँ पे कर दो, ए वन है तो यहाँ पे ए टू कर दो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू, ठीक है, इस वाला फॉर्मूला को यूज़ करो, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जैसा भी अगर दिया हुआ है ना, बाइसेक्ट्स अगर कर रहा है टू गिवन प्लेन्स, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, कहीं पर नोट कर लो, और इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप आसानी से कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखो, इफ़ लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इंटरसेक्स द प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है एट अ पॉइंट पी एंड द प्लेन, ठीक है, ये क्यू के अराउंड है, ठीक है, देन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, हमें पी क्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले देखो ये कि यहाँ पे हमारा लाइन दिया हुआ है x माइनस टू बाय थ्री, ठीक है, y प्लस वन बाय टू, ठीक है, ये कुछ लाइन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको r के बराबर मान लेना, ठीक है। सो इसको अगर r के बराबर मान लिया तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा अब, ठीक है, देखो r के लिए 3r प्लस टू, अगर हम इसको एक बार इसके बराबर करेंगे, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो ठीक है, यहाँ से देखो यार 3 इधर गया, 3r हो गया, x माइनस टू बचा तो 2 उधर गया, तो 3r प्लस टू हो गया, ठीक है। सो सिंपली वही 2r माइनस वन x, ठीक है, इसका आ गया। अब इसका देखो, ये तो बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है, माइनस वन, वन में r मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, r ही होगा, ठीक, माइनस r प्लस वन, ठीक है, ये यहाँ से ये आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, पॉइंट P के लिए हमें निकालना है, ठीक है, पॉइंट P के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स सेम निकालना है, सिमिलरली, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3R2 प्लस 2R2 माइनस 1, ठीक है, Q के लिए हमें निकालना है माइनस R2 प्लस 1, ठीक है, ये आपका P के लिए हो गया, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स P के लिए आ गया, और ये आपका Q के लिए आ गया, ठीक है, ये P के लिए आ गया और ये आपका Q के लिए आ गया। सो अब पॉइंट के लिए इंटरसेक्शन लाइन कौन सा है, ये वाला है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो x है, y है, z है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा जो वैल्यू आएगा x, y, z का, अब उसको इसमें पुट कर दो, ठीक है, ये वाला में, ठीक है, इसको पुट करने के बाद सिंपल सिमिलरली हमें क्या करना है, q वाला जो है ना, ठीक है, ये p वाला है और ये q वाला है, सिमिलरली ये r2 वाला जो है, इसमें हमें x, y, z की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, पॉइंट P एंड Q आ गया, ठीक है, P भी आ गया एंड Q भी आ गया। सो ये इसका है, ठीक है, कन्फ्यूजन में मत रहना, ये सिक्स नंबर का है, ठीक है, P एंड Q आ गया पॉइंट। सो अब आसानी से P एंड Q फाइंड कर सकते हो, PQ, ठीक है, PQ आ ही गया, तो अब इसको फाइंड कर ही सकते हो। ना सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन पॉइंट, ठीक है, ये कुछ लाइन है, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई c, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, ठीक है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, आराम से ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, ये
क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ 8 नंबर का क्वेश्चन, प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस ये दिया हुआ है, यूनिट फॉर्म द प्लेन्स, ठीक है, ये दिया हुआ कुछ, और रिस्पेक्टली देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेन के लिए, डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा यहाँ से डी वन माइनस डी टू, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से आप डी वन फाइंड कर लेना, डी टू फाइंड कर लेना, फिर आपको इसमें पुट कर देना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। नाउ 9th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, इफ क्यू, ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट पी। अब देखो यार, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, सिमिलरली पैटर्न के आपको मिल जाएंगे, यहाँ से लेके बहुत क्वेश्चन है यार, तो आप देख सकते हो 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर किसी का आंसर चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो मैसेज करके, ठीक है, और क्वेश्चन का पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगा। और जैसे कि क्वेश्चन में ये सब कहीं कहीं पे सॉल्व किया गया, बताया गया है कि कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है, तो आप अगर भूल जाते हो तो आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, इसके लिए मैं यही पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, जो किसका कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी टॉपिक के हाईली वेटेज वाले टॉपिक जितने भी है जेई मेंस 2023 के लिए सेशन 1 के लिए, ठीक है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो, किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट पे या फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो उस पर भी हम यार बना देंगे वीडियो, ठीक है। और ट्राई करना यार खुद से सॉल्व करने का, नहीं हुआ तो पूछ ही सकते हो हमसे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।